अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान के छठ घाट पर और आपको बताते चले कि तकरीबन 2 वर्ष के बाद इस बार का जो लोक स्थान का महापर्व कहा जाता है छठ पूजा, वो बिल्कुल धूमधाम के साथ इस बार होने जा रहा है। सिवान के छठ घाट पे हम पहुंचे हुए हैं ताकि यहाँ पे जो छठ माता का सिरसोता है वो लोग उसकी तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि आज से छठ का जो महापर्व है आज से उसकी शुरुआत हो रही है। नहाए खाए से लेकर के आज इस त्यौहार की शुरुआत हो जाएगी और कल छोटकी छठ होगा, उसके बाद से परसों जो है शाम के वक्त लोग घाटों पर आएंगे और डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे करके छठ पूजा संपन्न कराया जाएगा और फिर अगले दिन सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और इसी के साथ महापर्व छठ पूजा के का समापन होगा। आप देख सकते हैं हम छठ घाटों पे पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पे जो परिवार के लोग बैठेंगे इस बार छठ घाटों पर, किस तरह की क्या कुछ तैयारी है, उनके जो घर के युवा हैं, बच्चे, वो तमाम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठ माता को किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये तैयारी आप देख सकते हैं सिवान के शिवप्रसा छठ घाट पर ATN लाइव की टीम पहुंची हुई है। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि साफ सफाई से लेकर के या फिर तमाम तरह की चीजों में क्या कुछ है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद छठ पूजा इस बार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया जाएगा। यहाँ पे कुछ हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, छठ माता की रंगाई पुताई से लेकर के सब कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक समाज सेवी के तौर पर भगवान जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। शिवरस सा छठ घाट की क्या स्थिति और इस बार जो छठ पूजा है आप लोग किस तरीके से मना रहे हैं? कोरोना काल में परसल छठ तो नहीं हुआ, लोगों ने घरों पर मनाया, लेकिन इस साल छठ गाइडलाइन में, कोरोना के गाइडलाइन में रहकर सब लोग कार्य कर रहे हैं। जहां तहां छोटे छोटे ईंटा का एथी बना रहे हैं कि जिससे हम छठ मैया का पूजा करें। बहुत लोग उत्साहित हैं कोरोना काल को गाइडलाइन करते हुए ये छठ पूजा करेंगे और ये भीतर से उत्साह है कि हम लोग छठ कर रहे हैं। इस बार पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है बिल्कुल। आपको बताते चले कि सालों भर इंतजार रहता है इस त्यौहार का और खास करके 2 साल जिस तरीके की स्थिति थी, लोग अपने घरों में ही इस महापर्व त्यौहार को संपन्न कराए। बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ से भी लोग अपने घर की तरफ कूच कर गए हैं और ट्रेनों में भी भीड़ की तादाद बढ़ रही है कि जो लोग हैं जो बाहर में कमाते हैं या फिर अपने घर की रोजी रोटी के लिए वो बाहर जा कर के भरण पोषण परिवार के लिए वो लोग वहाँ पर मजदूरी करते हैं, वो तमाम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं और इस बार का जो छठ पूजा है बिल्कुल उमंग और उत्साह से भरा होगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है छठ घाटों पर इस बार देखा जा रहा है कि बिल्कुल जिस तरीके से 2 साल पहले लोग उत्साह में रहते थे, उमंग में रहते थे छठ घाटों पर, तो साफ सफाई की क्या व्यवस्था और इस बार भी देखी जा रही है कि इस बार भी भीड़ होगी? इस बार हम लोग छठ में विशेष तौर पर व्यवस्था किए हैं, बड़ी मस्जिद से लेके छठ घाट तक लाइट, रोलेक्स और झालर बत्ती, रोड सफाई और साथ में अपने शांति सेवा समिति के कैंप लगाएंगे, वहाँ से दूध माता रानी को, आम का दतुअन, चाय, काढ़ा, ये सब वितरण करेंगे। ये रास्ता सब बनवाए हैं कि किसी भी माता बहन को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और पानी ये सब जो थोड़ा सा आएंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये जो समिति बनाई है, शांति सेवा समिति रास्ता बनाती है और यहाँ से लेके बड़ी मस्जिद तक हम लोग व्यवस्था में रहते हैं
और रोलेक्स लगवाते हैं, मरकरी लगवाते हैं, रोड को बहारते हैं, रंगोली बनाते हैं, यहाँ पर दूध चाय आम का दत्त की लाइटिंग वेटिंग की सब कुछ व्यवस्था, अब कुछ टाइट व्यवस्था होगी। अच्छा, दो साल जिस तरीके से महापर्व छठ को लोग अपने अपने घरों पर किए, इस बार काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? काफी उत्साह है, साथ में हम लोग मास्क भी 2,000-3,000 पीस लाएंगे और सबको फ्री में बांटेंगे। अच्छा, मास्क भी बांटेंगे ताकि उस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। अब माता बहन पर विशेष तौर पर ध्यान रहेगा और हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अगले साल चैन काटने वाला गिरोह औरतों की झुंड घाट पर आ जाती है, इसलिए नम्र निवेदन है कि कम से कम 10-20 प्रशासन ऐसे गुप्त दे, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त आप चाहते हैं कि संतोष कुमार जायसवाल, संतोष कुमार जायसवाल हैं और इनका कहना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इनका कहना है कि ये जो व्यवस्था की गई है इन लोगों के द्वारा, जो इनका कहना था, और बिल्कुल ये यहाँ पे व्यवस्था रहेगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। शुभ्रत साथ छठ घाट पे हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। सामने में आप देख सकते हैं कि एक मंच भी यहाँ पे बन रहा है, शांति सेवा समिति के तरफ से एक यहाँ पे मंच भी बनेगा और यहाँ से तमाम तरह के वहाँ से अलाउंस भी किए जाएंगे। जो भी छठ व्रती महिलाओं को दिक्कतें होगी या यहाँ पे वितरण भी किए जाएंगे, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छठ माता का जो स्तूप है, यहाँ पे रंगाई पुताई से लेकर के सब कुछ यहाँ पे चल रहा है क्योंकि आज से नहाए खाए के साथ महापर्व जो छठ है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि छठ पूजा जो है बहुत ही बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही इसे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए किस तरह से तैयारी है इस बार? हर साल की बात इस बार ज़्यादा तैयारी हो रही है, अच्छे से की जा रही है क्योंकि 2 साल तो कोरोना के बीच में आदमी फंसा हुआ था, तो छठ पूजा ठीक से नहीं हो पा रहा था। इस बार धूमधाम से होगा इस बार छठ। काफ़ी आप लोगों में उत्साह भी होगा कि 2 साल के बाद अब घाटों पे परिवार के साथ आप लोग बैठेंगे। बहुत बहुत उल्लास है, हर्षोल्लास है हम लोग का कि इस बार जम के होगा यहाँ पे। क्या हो रहा है ये छठ माता, आप लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसी के आधार पर हम लोग बैठ के यहाँ पे अपना पूजा करते हैं छठ का जी। सजावट भी होगी, लाइटिंग सब, हाँ सब कुछ यहाँ पे इस बार बहुत 2 साल की भांति तो नहीं हुआ था, इस बार 2 साल का अपेक्षा ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा होगा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है और साफ सफाई को लेकर क्या कुछ यहाँ पे? साफ सुथरा तो हो रहा है, बहुत अच्छी सफाई अच्छी लग रही है, सफाई होनी चाहिए और इससे माताएं बहनों की भी सुविधा मिलेगी, अच्छा है जी। ऐसा इस बार लगेगा क्योंकि 2 साल के बाद तमाम लोग यहाँ पे परिवार के साथ फिर से एक बार घाट 2 साल के बाद से हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि कोरोना की वजह से जो है माताएं बहनों के बहुत अपने अपने घर पे करना पड़ा कोविड की वजह से, तो इस साल जो है मतलब खुशी है इतना कि जो है कि 2 साल के बाद से बहुत अच्छे से अब मतलब मिलजुल के एक साथ परिवार बैठेंगे और एक साथ होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से छठ माता का जो सिरसोता है उसे एक अच्छे तरीके से इसकी रंगाई पुताई की जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नाम भी लिखा जा रहा है, तो ये चीज़ है। और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार भी रहता है और तमाम यहाँ पे जो घाट हैं इस घाट पे सभी तरह के लोग यहाँ पे पहुँच करके और इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये स्थिति है। और देखिए यहाँ पे नाव भी चल रहे हैं, हालांकि प्रशासन के द्वारा यह सख्त मना है कि छठ के दिन किसी भी तरह का प्राइवेट नाव यहाँ पे नहीं चलेगा, जो भी होगा सरकारी जो नाव होगा वो चलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी आई हुई हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लें। बताओ बाबू कैसी तैयारी है छठ की, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पिछली बार तो घर में हम लोग का हुआ था छठ, और इस बार हो रहा है इधर, इस बार घाट पे हो रहा है। हाँ, तो घाट पे अपने पूरे परिवार के साथ आप लोग आएंगे? हाँ। तो कैसा लगेगा यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, तैयारी हो रही है? हाँ, जबरदस्त हो रही है। जबरदस्त तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारी हो रही है? अच्छा लगता है, घर में कहीं लगता है अकेलापन, मस्त लगता है, लोग पे भीड़ भाड़ रहती है पूरी तरीके से, अच्छा लगता है तो तैयारी है पूरी इस बार। हाँ, साबुन टोली। अच्छा चलिए, और भी यहाँ पे कुछ लोग देखिए, महिलाएं हैं पूजा करके जा रही हैं, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। हालांकि आज से तो नहाए खाए के साथ त्योहार की शुरुआत होगी, आप भी छठ व्रत करती होंगी, ये बताइए कि इस बार आप लोग घर पे कर रही हैं या फिर घाट पे कर रही हैं? घाट पर कर रहे हैं, पिछले बार घर पर। इस बार तो 2 साल के बाद यहाँ पे होगा घाट पे, कैसा लगेगा इस बार? अच्छा लगेगा। तो
कैसी तैयारी है, जैसे कि आज तो नहाए खाए, क्या विधि है, कैसे क्या होगा, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे। आज ये विधि घर द्वार साफ सुथरा करते हैं लोग, छठ परमेश्वरी से विनती करते हैं कि बेटा भतार पति पुत्र के सबके अच्छा चले, सारा संसार कल्याण हो, सबके अच्छा से छठी माई रखी, सूर्य भगवान रखी, यही खातिर छठ व्रत कर। आप यहाँ पे आज नहाए खाए के साथ पूजा करने के लिए घाट? हाँ, घाट पर आए, जैसे कि हम कार्तिक नहाने, हाँ कार्तिक व्रत में। हाँ, तो आज मान लीजिए कि नहाए खाए से शुरुआत हो गया इस महापर्व छठ का, कल छोटकी छठ कहा जाता है वो होगा, तो क्या होता है और फिर कैसे बड़ी छठ को मनाया, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बताएं। छोटी छठ के की रसिया और रोटी बनते हैं शाम को, नए वस्त्र पहनते हैं, मांग से सिंदूर लगाते हैं लोग, माता जी के विनती करते हैं कि मैंने मेरे पूजा सफलता हो को, विघ्न प्राप्त ना हो को, अच्छा से छठी माई सबके कल्याण करी, जितना अगल बगल जितना भी बस सबके रक्षा करी, सबके बाल बच्चा की रक्षा करी। कहाँ से आप आई हुई? हम दीनदयाल नगर तुरहा टोली से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा कि दीनदयाल नगर तुरहा टोली से ये महिला आई हुई हैं, और जब इनसे सवाल किए गए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि सबकी सुख समृद्धि के लिए इस त्यौहार को किया जा रहा है, और आज इस नहाए खाए का जो त्यौहार है इसको इसकी शुरुआत आज से हो गई है नहाए खाए के साथ, और ऐसे में हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे महापर्व छठ को लेकर के। सीवान के अलग अलग सभी छठ घाटों से ATN लाइव का विशेष और बड़ा कवरेज होगा कि किस तरीके से सीवान में इस बार महापर्व, जो लोक आस्था का महान पर्व कहा जाता है छठ पूजा, उसे कैसे मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। मैं रेणु यादव, जिला परिषद 6 संख्या 38 की उम्मीदवार हूँ, और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई चाचा माताओं बहनों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ, और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा, 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज के विकास कर पाऊँ, और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूँगी और खड़ी रहूँगी, इसके लिए मैं आभारी रहूँगी। और मैं आग्रह करती हूँ कि आरी सब पर पड़े भारी, और इस बार आरी की है बारी, आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38 बसंतपुर जिला परिषद संख्या। सिवान की समस्त सम्मानित जनता को मैं डॉक्टर संगीता चौधरी शुभकामना देना चाहती हूँ, ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, गुड विशेष देना चाहती हूँ दीपावली और छठ के मौके पर। कृपया इस दिवाली और छठ में प्रदूषण कम फैलाएं, पटाखे कम चलाएं, और चाइना का बहिष्कार करें, चाइनीज सामान ना खरीदें, इंडियन सामान खरीदें, और बच्चों को पटाखों से दूर रखें, क्योंकि मेरे पति डॉक्टर शरद चौधरी वो आँख रोग विशेषज्ञ हैं, तो मुझे पता है कि हर साल दिवाली के बाद किसी के आँखों में रॉकेट घुसा होता है, किसी की आँखें फट गई होती हैं, किसी का ललाट फट गया होता है। तो हमारे घर में जितने भी हड्डी के डॉक्टर और आँख के डॉक्टर हैं, उनका केसेज जिस तरह आता है बहुत भयंकर भयावह रूप में आता है। तो कृपया इस दिवाली हम लोग ये प्रण करें कि हम लोग प्रदूषण रहित बिना पटाखों की दिवाली मनाएंगे, और सबको गिफ्ट के रूप में गुड विशेस देंगे। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है या नहीं दिया है, सबके लिए अच्छी अच्छी भावना रखेंगे, और पिछली पुरानी बातों को भूल जाएंगे, और जिस तरह घर की सफाई करते हैं उसी तरह दिमाग और कान में जो बुरी बुरी बातें सुनाई गई हैं उन सबकी सफाई कर देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद गुप्ता, हड्डी जोड़ और नसलों विशेषज्ञ, डिवाइन हॉस्पिटल विजयहाता सिवान। आप समस्त सिवान की सम्मानित जनता को दिवाली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारा के माहौल में मनाएं। इस दीपावली के मौके पर पटाखों का प्रयोग न करें, और इससे होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभाव को रोकें, एवं इससे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियाँ
बढ़ती है उनसे भी इस दीपावली के अवसर पे पटाखे कम जलाकर उनको रोका जा सकता है। अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते हम लोग देखते हैं कि पटाखों के चलते बहुत लोगों के हाथ उंगलियां बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, इसलिए हमारा ये अनुभव है और हम इसलिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने भी या बच्चों को भी पटाखों के काफ़ी दूर रखें और शरीर और किसी भी पार्ट को क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। एक बार फिर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष दिनेन्द्र दीपों का पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह दीपावली आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। दोस्तों, इस दीपावली में मानव जाति को अपने अंतःकरण में दीप जलाना है और लोगों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना है। साथ साथ अगर चिकित्सक होने के नाते मैं आपको कहूँगा कि पटाखे कम चलाएं। अगर पटाखे अगर आप चला रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा गार्जियन को रहते बच्चे को अकेले ना छोड़ें, वहाँ आसपास पानी रहना ज़रूरी है और साथ है खुली वातावरण में ही पटाखे।